हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिक एंड फिट। आज हम सीखने वाले हैं क्रिकेट बैट पकड़ने का सही तरीका क्या है, व्हाट इज़ द राइट वे टू होल्ड ए क्रिकेट बैट। अगर आप एक अच्छा बल्लेबाज बनना चाहते हैं तो आपको दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, आपका बेसिक पक्का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आपकी टेक्निक सही होना बहुत ज़रूरी है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बेसिक का नॉलेज और सही टेक्निक दोनों बताऊँगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज मैं आपको क्रिकेट बैट पकड़ने के दो तरीके सिखाऊंगा, तो ये वीडियो ध्यान से देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले आसान तरीके से। मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा कि बैट को कैसे पकड़ते हैं। तो मैं आपको पहले आसान तरीका बताता हूँ बैट पकड़ने का। आपको क्या करना है, आपकी बैट ग्राउंड पे वर्टिकल लाइन में रखनी है, ज़मीन पे ऐसे सीधे लाइन में बैट रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, बैट के हैंडल के पास आकर खड़े रहना है। आपका राइट लेग और लेफ्ट लेग ये एक लाइन में होना ज़रूरी है, एक लेग आगे या फिर एक लेग पीछे ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दोनों पैर एक लाइन में रखना ज़रूरी है और आपको ये करना है कि दोनों हाथ सीधा लेके जाना है और आपको हैंडल को पकड़ना है और बैट को हाथों से उठाना है और फिर आपकी जो ग्रिप बनेगी ये सही ग्रिप होगी और इस आसान तरीके से आप सही ग्रिप पकड़ सकते हो। आप मेरे हाथों को देख सकते हो, ये सही ग्रिप होती है। आपके बॉटम हैंड का जो वी शेप है वो देखो, वो स्प्लाइस के लाइन में आ रहा है और आपका टॉप हैंड का जो वी शेप है वो स्प्लाइस और आउटर एज के बीच में रहेगा। ये एक बहुत आसान तरीका है सही तरीके से बैट पकड़ने का। तो आपने आसान तरीका तो सीख लिया बैट पकड़ने का, अब हम बात करेंगे वी ग्रिप टेक्निक के बारे में। क्या होती है वी ग्रिप टेक्निक, कैसे पकड़ते हैं वी ग्रिप टेक्निक से, तो आपको मैं आप बताऊंगा वी ग्रिप टेक्निक से बैट कैसे पकड़ते हैं। तो अब हम बैट के बारे में जानेंगे। आप देखिए बैट की ये जो मिडल लाइन है, ये जो मिडल लाइन है इसको कहते हैं स्प्लाइस। ये जो मिडल लाइन दिख रही है आपको इसको कहते हैं स्प्लाइस और जो आउटर लाइन दिख रही है इसको कहते हैं एज। जो बाहर की साइड होती है इसको एज कहते हैं और जो अंदर की साइड होती है इसको इनर एज कहते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको वी ग्रिप कैसे पकड़नी है उसके बारे में हम जानते हैं। अभी देखिए आपका जो बॉटम हैंड है उसके बीच में जो वी ग्रिप तैयार हो रही है, जो वी ग्रिप हो रही है हमको क्या करना है, ये स्प्लाइस के बीच में रखना है। वी ग्रिप और स्प्लाइस दोनों साथ में ये सेंटर से लेके आना है हमारे हैंडल तक और ये हैंडल से कुछ दूर पकड़नी है बैट। हमको हैंडल के एकदम नीचे नहीं पकड़नी है, थोड़ी सी दूर पकड़नी है। और कैसे लेके आने का, ये जो वी ग्रिप है वो ये सेंटर लाइन से जो स्प्लाइस कहते हैं उससे लेके आने का है और जो हमारा टॉप हैंड है उसको आउटर एज और स्प्लाइस इन दोनों के बीच में से लेने का है। जो आउटर एज होता है वो और स्प्लाइस के बीच में से लेना है। तो कैसे लेना है ये देखिए, ये हमारा टॉप हैंड हुआ, ये इसको नीचे नीचे लेके जाने आए, हमें बॉटम हैंड के ऊपर पकड़ना है इसको ऐसा, जो टॉप हैंड है हमारा वो ऐसा पकड़ना है। तो ये हुई हमारी ग्रिप। तो सही टेक्निक क्या है, आपकी ग्रिप और आपकी बैट का जो फेस है वो फर्स्ट स्लिप से होना चाहिए और आप जब खेलोगे तो आपके जो बल्ले का जो फेस है वो सीधा होना चाहिए। तो आपने देखा कि वी ग्रिप पकड़ने का सही तरीका क्या है, लेकिन क्यों सही है वो तरीका ये मैं आपको अब बताऊँगा। तो देखिए ये हमारी वी ग्रिप, ये है हमारी वी ग्रिप। अगर आप मानो मैंने ये वी ग्रिप बहुत ज़्यादा इधर पकड़ ली हैंडल के, थोड़ा सा आउटर एज के बाजू में पकड़ ली, तो क्या होगा, ये बैट का जो फेस है वो ओपन हो जाएगा। अगर मैंने ये वी ग्रिप ऐसी पकड़ी तो बैट का फेस अपने आप ओपन हो जाएगा और आपको जो कवर ड्राइव है और स्क्वेयर ड्राइव खेलने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि आपके बैट का जो फेस है वो ओपन हो जाएगा और आपको एज लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपने टॉप हैंड अंदर रखा, जो आपका वी ग्रिप है वो स्लाइस के अंदर रख दिया, तो आपके बैट का फेस हो जाएगा क्लोज। और जब बैट का फेस क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे जो बैट का फेस है वो क्लोज हो जाएगा, वो कीपर या फिर फाइन लेग की तरफ चला जाएगा। और जब मैं कोई भी बॉल खेलने जाऊंगा तो मेरा बैट पहले से ही क्लोज हो जाएगा और मैं ज़्यादातर फ्लिक खेल पाऊंगा, मैं उसको सीधा नहीं खेल पाऊंगा। और जब जो गेंद पैर पे आ जाएंगी वो मुझे LBW आउट करने की ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसके वजह से ये भी रॉन्ग टेक्निक है। तो सही टेक्निक क्या है, हमको वी ग्रिप से पकड़ना है
देखिए वी ग्रिप से पकड़ने के बाद आपका जो बैट का फेस है वो जा रहा है फर्स्ट स्लिप की तरफ, और आपका फर्स्ट या फिर सेकंड स्लिप की तरफ बैट का फेस होना चाहिए। ये सही टेक्निक है। अब देखो जब आपकी बैट फर्स्ट स्लिप या सेकंड स्लिप की तरफ से आएंगी तो ये सीधी रहेंगी, जो बैट का जो फेस है वो सीधा रहेगा। तो इसकी वजह से ये वी ग्रिप टेक्निक सही है, और आपको वी ग्रिप टेक्निक से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए और मैच में भी वी ग्रिप टेक्निक से खेलना चाहिए। अगर आपकी टेक्निक गलत है तो आप इसको चेंज कर सकते हो, और करना ही चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको सही टेक्निक से खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप देना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आप जब भी मैच खेलोगे, चाहे मैच खेल रहे हो, चाहे प्रैक्टिस कर रहे हो, नेट में प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे मैच खेल रहे हो, तो क्या करने का है, आपको हर बॉल खेलने से पहले आपकी ग्रिप चेक करनी है। आप हर बॉल खेलने से पहले आप चेक करो आपका बॉटम हैंड सही है, आपका टॉप हैंड सही है। उसके बाद जब आप स्टांस लोगे, उसके बाद आप देखना कि आपकी जो बैट है वो फर्स्ट स्लिप या सेकंड स्लिप की तरफ से आ रहे हैं कि नहीं। अगर ये नहीं आ रहे हैं तो आपका कुछ तो गलत हो रहा है। इसलिए हर बॉल खेलने से पहले आपको देखना है कि मेरी बैट स्लिप, फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप की तरफ से आ रही है कि नहीं, और मेरा जो फ्री ग्रिप है वो सही है कि नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है हर बॉल खेलने से पहले। आपको कितना टाइम लगेगा, 3 से 4 सेकंड लगेगा आपको ग्रिप चेक करने में, बैट का फेस चेक करने में। तो आपको क्या करना है, हर बॉल खेलने से पहले आपकी ग्रिप चेक करनी है, हर बॉल खेलने से पहले आपका बैट का फेस चेक करना है, वो फर्स्ट स्लिप की तरफ है या फिर बाहर से आ रहा है या फिर अंदर से आ रहा है। ये बात चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बात चेक करने की आदत आपको लग जाएंगी तो आप एक अच्छे बल्लेबाज बन जाओगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं। मैंने इंस्टा के लिंक नीचे दी है, तो आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, आप मुझे इंस्टा पे या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। अगर आप ऐसे ही क्रिकेट का नॉलेज चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप हमारा वीडियो जल्द से जल्द देखने को मिले और आपको अच्छे से सही नॉलेज मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना और सेहत का ख्याल रखना। धन्यवाद।